आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखना उचित होगा? 11 या 12 दिसंबर को। जानिए मोक्षदा एकादशी की कथा, पूजन विधि आदि सब कुछ विस्तार से। क्या मोक्षदा एकादशी ही गीता जयंती है? आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी 11 या 12 दिसंबर कब पड़ेगी, इसको लेकर संशय व्याप्त दिख रहा है। आगे हम आपको बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखना उचित होगा। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूली। जानकार विद्वानों के अनुसार पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास रखकर श्री के नाम का संकीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। जानकार विद्वानों ने बताया कि इस तरह की एक कथा मिलती है कि वैखानस नामक राजा ने पर्वत मुनि के द्वारा बताए जाने पर अपने पितरों की मुक्ति के उद्देश्य से इस एकादशी का सविधि व्रत किया था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा वैखानस के पितरों का नरक से उद्धार हो गया। जो इस कल्याण में मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राणियों को भवबंधन से मुक्ति देने वाली यह एकादशी चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। आतिया तिथि गीता जयंती के नाम से विख्यात हो गए। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़े। गीता रूपी सूर्य के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु के साथ भगवान श्री कृष्ण का आशीष प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी पूजन मुहूर्त जानिए। विद्वान जानकारों के अनुसार बुधवार 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत करना उचित होगा। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:09 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 1:57 से 2:39 तक, अमृत काल सुबह 9:34 से 11:03 तक एवं रवि योग सुबह 7:03 से 11:48 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया। मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया रहने वाला है। इस दिन भद्रा दोपहर 2:27 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 12 दिसंबर को सुबह 1:09 तक रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा को शुभ नहीं माना जाता है। इस अवधि में पूजा पाठ व शुभ कार्यों की मनाही होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण समय जानिए। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। व्रत पारण अर्थात व्रत के उपरांत का पहले भोजन का समय सुबह 7:04 से सुबह 9:08 तक रहेगा।
पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 10:26 तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम जानिए। मोक्षदा एकादशी के दिन पूजन के बाद गीता का पाठ किया जाता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, शराब, लहसुन व प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के व्रत का हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मोक्षों से मुक्ति कराने वाली मोक्षदा एकादशी का क्या है महत्व। हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। इसके साथ ही इस एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा जानिए। एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता था। एक बार रात में राजा ने सपने में देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने प्रातः अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को इस सपने के बारे में बताया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में कष्ट भोग रहा हूँ, यहाँ से मुहे मुक्त करा। जब से मैंने ये सपना देखा है, तब से मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। राजा ने ब्राह्मण देवताओं से कहा कि इस दुर्ग के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। साथ में राजा ने कहा कि उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। राजा मुनि आश्रम की तरफ चल दिए। वहां राजा की मुलाकात पर्वत मुनि से हुई। राजा ने मुनि को दन दिया। मुनि ने राजा से उनकी कुशलता के बारे में पूछा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग विघा से तुम्हारे पिता के कर्माए के बारे में जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कारण उन्हें नर्क में जाना पड़ा। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।